Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and share more than my videos. आज मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी मसालेदार राइस की। तो यहाँ पे मैंने चार प्यालियाँ जो हैं वो चावलों की पानी में भिगो के रखी हुई हैं, एक तकरीबन एक घंटे के लिए आप रख दें। चार अदद प्याज, दो बड़े आलू, एक पीस की प्याली और चार टमाटर, पाँच छः मिर्चें। ये टमाटर मैंने मोटे मोटे काट के रखे हुए हैं। यहाँ पे एक पतीले में आप ऑयल डाल के जीरा डाल दीजिए। जीरा जब तक गर्म हो, अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे ही जीरा गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे जो चार अदद हमने काट के रखी है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही प्याज ब्राउन होगा और अब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में काली मिर्च, जायफल, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये डालेंगे हम लोग। तो जब तक गरम मसाला भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे, ऑयल देखें अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे फिर हम इसके अंदर आलू और पीस डाल देंगे। पीस की एक प्याली थी। आलू और पीस को अच्छी तरह से हम भूनेंगे, ब्राउन करेंगे। जिस तरह से ये ब्राउन हो जाएगा हमें अंदाज़ा हो जाएगा ये तो आधे पक गए हैं। एक प्याली में दो चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, दो और एक चम्मच हल्दी, उसमें चार चम्मच हमने दही मिक्स करके एक साइड पे रखे हुए हैं। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद हम लोग ये मसाला जो हमने रेडी करके रखा हुआ है वो डालेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आलू और पीस अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, फिर हमने इसमें टमाटर और जो ग्रीन मिर्च हैं वो डाल दी हैं। अब 5-10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और इसके अंदर साथ ही साथ नमक अपने हस्ब जायका डाल दीजिए, क्योंकि चावल जितने होंगे उसी हिसाब से आप लोगों का टेस्ट के हिसाब से आप लोग नमक डाल सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमने इसके अंदर जो दही का मसाला था वो भी डाल दिया है। 15 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आलू मैश हो जाएंगे और घी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मसाला मिक्स होके अच्छा लुक दे रहा है हमें, और कुछ मोटे मोटे जो पीसेज हैं टमाटर के वो मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ, बाकी ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। यहाँ पे जो मौसम, मैंने एक प्याली जो है वो डाल दी है इमली की, और साथ ही साथ मैं आपको मौसम का भी बताती चलूँ कि यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं थी और गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई थी ऐसा यहाँ पर, और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल आ गए, बारिश का मौसम लग रहा है, तो बारिश आने वाली होगी यहाँ। और यहाँ मेरा मसाला रेडी हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गर्म मसाला पीसा हुआ, उसके दो बड़े चम्मच, ताकि उसका भी टेस्ट आ जाए, क्योंकि घर के मसालों से बन रही हैं ये चटपटा मसालेदार राइस। यहाँ पे पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं मैं कर रही, जो नेशनल के शान के जो पैकेट्स मिलते हैं वो यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहे। जस्ट जो आपके घर के मसाले होते हैं, रेमेडी होती है घर की बनी हुई, वो चीज़ें हमें यूज़ कर रहे हैं जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं। मसाला रेडी हो चुका है तकरीबन। अब चावल का जो पानी है वो हम लोग डालेंगे इसके अंदर। चार प्याले चावल की हैं तो उसके हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। मैं जो छोटा सा एक जग है मैं वो डाल रही हूँ पानी का इसके अंदर, ताकि मुझे अपनी बर्तनों का हिसाब रहता है कि कितना पानी है उसके जग के चावल का हिसाब, मुझे अपने बर्तन के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। पानी में जब तक बॉयल आ जाए फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं जो मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे वहाँ पर। चावल आधा जो पानी उसका चावलों का खुश्क हो जाए, अब मैं इसको दम लगाने के लिए तैयारी करूँगी, जिसमें मैंने एक लेमन जिसके छोटी छोटी से पीसेस करके रखे हुए हैं और फूड कलर जो होता है वो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो ये लेमन के पीसेस रख के फिर मैं इसके अंदर फूड कलर की एडिटिंग करूँगी, और फिर मैं इसको 15 या 20 मिनट तक ढक्कन लगा के दम की लिए रेडी करूँगी। गर्मी बहुत हो है उसकी वजह से मुझे ये मैंने मैंगो शेक बनाया है, तो यहाँ पे मैंगो शेक की मैंने बना के रखा हुआ था फ्रिज में, वो डेकोरेट करूँगी। पहले मैंने जामे शरीन जो है वो साइडों से लगा दिया है, उसके अंदर मैंगो शेक डाल के और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। साथ ही साथ मैं ये पीती भी जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 15-20 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो यहाँ पे बिरयानी अच्छी तरह से बन गई है। मसालेदार राइस इज़ रेडी नाउ गाइस। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लुक, इसका अच्छा लुक आ रहा है, और अब टेस्ट में इससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा होगा। आप सब ट्राई कीजिएगा अपने घरों में।
मसाले जो हैं घर की बनी हुई बिरयानी है वो बिल्कुल बहुत लजीज और टेस्टी बन रही है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी हैं, तो डिनर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। और आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे एक प्लेट में डाल के, देखें आप जो हमारे मसाले घर की बनी हुई मसालों से बिरयानी पे जो बनी है लजीज, आप देखें लुक इसका यमी। इसको देख के ही मुझे भूख लग रही है, होप्स आप लोगों को भी भूख लग रही होगी। आइए मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखा देती हूँ। बारिश शुरू हो गई है, देखें यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है तेज़। इस वजह से हमारी जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है हम उसे अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि न्यू गाड़ी है और कीचड़ यहाँ पे हो जाता है। हालांकि रोड तो बने हुए हैं लेकिन पानी ज़्यादा जमा हो गया, पानी बारिश तेज़ है, तो भाई उसकी तैयारी कर रहे हैं अंदर करने की। और साथ में बच्चों की डिमांड जो थी वो थी हमें चिप्स फ्राई करके दीजिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो सिस्टर के बच्चे भी हैं, मेरे भी बच्चे हैं, साथ ही साथ चिप्स भी फ्राई करके खा रहे हैं। ये छोटी सी मेरी बेबी अनाया है और ये मोहम्मद अवेज़ रज़ा है। हाय मोहम्मद अवेज़ रज़ा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।